जल संस्थान काशी द्वारा पाइपलाइन लीक होने की वजह से पीने का पानी सड़कों पर बहने के बावजूद भी उसे ठीक करने की कोशिश तक नहीं की गई, जिससे लोगों को मिलने वाला हजारों लीटर पीने का पानी सड़कों पर बह रहा है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के शैक्षणिक भ्रमण पर विकास नगर विकास खंड कार्यालय पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह द्वारा स्वागत किया गया। ब्लॉक प्रमुख द्वारा आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों को 14वें व 15वें वित्त एवं क्षेत्र पंचायत के अधिकार व कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को 12 साल बाद अदालत से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशन देने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इस लड़ाई में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा सहयोग करने पर कर्मचारियों द्वारा फूल माला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया गया। मैं जो है वो चीज मिली है जो जिसकी उम्मीद नहीं थी। नेगी जी ने इतने प्रयास किए हैं हमारे लिए कि आज हमें पेंशन प्राप्त हुई है। इसमें लगे 12 साल। कोतवाली विकास नगर की डाक पत्थर व बाजार चौकी पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14.55 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया युवक आलम पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी जीवनगढ़ का रहने वाला है, जबकि दूसरा युवक फरहान पुत्र फरमान निवासी 28 फीटा रोड विकास नगर का रहने वाला है। पुलिस को फरहान के पास से स्मैक बेचकर कमाए गए 18,500 रुपये भी बरामद हुए हैं। कोतवाली विकास नगर पुलिस द्वारा 354 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम और 60 आबकारी अधिनियम के तहत 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दोनों वारंटी गुरफान मलिक पुत्र हसनदीन निवासी ढकरानी को 354 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम व अनिल पुत्र पदम सिंह निवासी बरोटीवाला को 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा उषा नेगी की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक मुख्य सचिव सभागार सचिवालय देहरादून में आयोजित की गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वन स्टॉप सेंटर नंदा गोरा कन्याधन योजना निर्भया महिला शक्ति केंद्र महिला पुलिस वॉलंटियर आंगनवाड़ी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना एवं बाल संरक्षण योजना के बारे में चर्चा की गई। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।